हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से पटना के बीच में हफ्ते में 3 दिन चलती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का नंबर है 13415। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। मालदा से यह पटना के बीच में चलती है, हफ्ते में 3 दिन चलती है। मालदा टाउन से यह हर इतवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चलती है। 9 घंटे 30 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं और 403 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है मालदा टाउन से पटना तक का। और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 42 किलोमीटर पर आवर। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसे ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो मालदा टाउन से पटना तक का होगा। इसमें सेकंड एसी के कोच का जो किराया है वो है 935 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1655 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। दोस्तों, ध्यान रहे, ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये मालदा टाउन से पटना तक का है। स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 240 रुपये, इसमें रिजर्वेशन चार्ज, बेस फेयर चार्ज शामिल होता है, इसमें कोई GST चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस में जनरल अंडरसर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है लगभग 140 रुपये के करीब है। ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर भी कन्फर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं कि मालदा टाउन से पटना तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 13415 और ये मालदा टाउन पश्चिम बंगाल से हर इतवार, बुधवार, शुक्रवार को रात को 8:30 पे चलती है एक नंबर प्लेटफॉर्म से। उसके बाद जो दूसरा स्टेशन आता है वो है न्यू फरक्का जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है रात के 9:02 पे पहुँचती है और 9:04 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। बरहरवा जंक्शन झारखंड में ये ट्रेन जो है रात के 9:36 पे पहुँचती है और 9:38 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ तक की जो जर्नी है ये 53 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये झारखंड के साहिबगंज स्टेशन में पहुँचती है रात के 10:34 पर और 10:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार में कहलगांव स्टेशन में पहुँचती है रात के 11:18 पर और 11:19 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भागलपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 11:53 पे और 11:58 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। सुल्तानगंज स्टेशन में रात के 12:18 पे पहुंचती है और 12:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। जमालपुर जंक्शन में ये रात के 1:02 पे पहुंचती है और 1:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। अभयपुर में ये ट्रेन जो है रात के 1:26 पे पहुंचती है और 1:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ये ट्रेन जो है रुकती है। कियूल जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 2:45 पे पहुँचती है और 2:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस जो है वो हाथीदह जंक्शन में रात के 3:13 पे पहुँचती है और 3:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। मकोमा स्टेशन में ये ट्रेन जो है रात के 3:25 पे पहुंचती है और 3:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। बाढ़ स्टेशन में ट्रेन जो है 3:44 पे पहुंचती है और 3:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बख्तियारपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:03 पे और 4:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है। फतुहा जंक्शन बिहार में ये सुबह 4:21 पे पहुंचती है और 4:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पटना साहिब स्टेशन में पहुंचती है सुबह 4:34 पे और 4:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये रुकती है। उसके बाद मालदा टाउन पटना एक्सप्रेस जो है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में सुबह 4:50 पे पहुंचती है और 4:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। पटना जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 6:00 पहुंचती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 400
2 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।